पत्नी ने पुलिस आयुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और उनको प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मेरे पति की जान को खतरा है। हालांकि गोली लगने वाले अपराधी के खिलाफ 3 दिन पहले ही इस घटने के संबंध में उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा दिया गया था। आगरा जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने सिंह पहलवान ने रमजान अब्बासी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले की आम आदमी पार्टी आगरा घोर निंदा कर रहा है। भाजपा का तानाशाह रवैया विचारों की आजादी को भी समाप्त करना चाहता है, ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। ये दिल्ली के अंदर जो हमारे लोकप्रिय जो अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो हमला किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर जो एमसी का चुनाव था, उससे ये चुनाव नहीं करा पाए और उससे ये भाग गए। अगर हिम्मत है तो वहाँ पर चुनाव करा के बताएं, अगर आप भागते क्यों हैं। पंजाब के अंदर जो हमारी भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहाँ पर जो 10 दिन के अंदर जो बड़ी बड़ी घोषणा की है, वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पुलिस के साथ भाजपा गुंडों ने जो उपद्रव किया, वहाँ बैरिकेटिंग तोड़ी, ईंट पत्थर फेंके और हत्या का पूरा जो प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की पुलिस हमारी जो है मुख्यमंत्री के अंडर में की जाए, जिससे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सके। और मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में चर्चा है तो पंजाब की चर्चा है, योगी जी की चर्चा नहीं है इतने बहुमत के बाद भी। इन चर्चाओं से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से इस दुनिया से, इस देश से हटा दिया जाए। वो अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहती है, क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता के सामने आज मोदी जी की जो कुर्सी के पैर हिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि भविष्य केवल। खबर गाजीपुर से है, जहां 2 दिन से गायब सब्जी व्यापारी का शव खेत में खून से लथपथ मिला। चश्मदीद ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। टीम ने शव को चिन्हित करके जांच शुरू कर दी। बता दें कि यह पूरा मामला जंगीपुर थाने के हाईवे के किनारे खेत का है। आज थाना जंगीपुर में 31/3/2022 को वार्ड नंबर 1 जो हाईवे से सटा हुआ है, वहाँ गेहूं के खेत में राहुल कुशवाह की लाश मिली है, जिसमें उनके पिताजी द्वारा हत्या की आशंका की सूचना दी गई है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने कार्रवाई करते हुए DIOS ब्रिजेश मिश्रा समेत 17 आरोपियों के पास से पेपर भी बरामद किया है। शिक्षा विभाग ने भ्रष्ट दागी छवि के अधिकारी के रूप में ब्रिजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइन के पौष इलाके में करोड़ों की कोठी भी है। इसके अलावा बिहार में शॉपिंग मॉल भी है। प्रदेश सरकार में तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अपने विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि मंत्री नंदी को 4 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मिला है। और हम सब का सामूहिक प्रयास रहा है, आपने देखा है पीछे, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे, जिस तेज़ी के साथ पूरी टीम भावना से हमारे अधिकारीगण सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। निश्चित रूप से हमारे चाहे डिफेंस कॉरिडोर है या आने वाले और प्रोजेक्ट हैं, उसको तेज़ी से जो भी किसी तरह का कोई अवरोध है, उसको हम लोग मिल बैठ करके सॉल्व करके तेज़ी से काम करें और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। एक ऐसा विभाग रहा है कि पिछले 5 साल में कई माइलस्टोन इसमें देखने को मिले। कहा जा रहा है कि सरकार ने एक नया सेटअप तैयार करने जा रही है कि 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का टारगेट रहेगा आप लोगों का, तो क्या कुछ सर का योजना है और किस तरीके से इसको आप? देखिए, आज यूपीडा की बैठक है, कल औद्योगिक विकास की बैठक है पिकअप भवन में, तो अभी हम डिटेल में समझ करके निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 100 दिन का टास्क दिया है, 6 महीने का, साल भर का, वो हम पब्लिक की भी भागीदारी लेकर, इंडस्ट्रीज़ की भी भागीदारी लेकर के सामंजस्य बना करके कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे समाधान हो सकता है और हमारा जो टारगेट है उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद मायावती अब अपने पुराने नेताओं की वापसी चाहती हैं, लेकिन अब उनके नेता मायावती से दूर रहना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, अब मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। मीडिया में इस समय भ्रामक खबरें चल रही हैं और क्या कुछ कहा है आप ही देखिए। मेरे बीएसपी में जाने के बारे में एक अखबार ने झूठी खबर छापी है और सोशल मीडिया में भी झूठी खबर चल रही है कि मेरी सुश्री मायावती जी से मुलाकात हुई और मैं बीएसपी में जा रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये खबर झूठी है, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी और मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वही रहेंगी और मैं कांग्रेस छोड़ के न कहीं जा रहा हूं। कांग्रेस नेता आज दिल्ली के विजय चौक पर देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी सिलेंडर के दामों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 गुना बढ़ चुके हैं। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूल की माला चढ़ाई। वही महंगाई के खिलाफ आज के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस पार्टी का पूरा देशव्यापी प्रदर्शन है जो 31 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार अनवरत चलेगा। आज पहले दिन सभी घरों के आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश के आम नागरिक जो गैस सिलेंडर है, जिसको कांग्रेस सरकार में जो 445 का था उसे बढ़ाकर 1000 रुपये का कर दिया, और पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा, उन सबको माला चढ़ाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। उसके बाद 7 तारीख को प्रदेश मुख्यालय पर और 10 तारीख को शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बात की और कहा कि सही समय आने पर जानकारी दूंगा, अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। तो जहां लगातार शिवपाल और अखिलेश के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं और उन्होंने 20 मिनट जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर बैठक करी, अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं बीजेपी के साथ। तो अब उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही कि सही समय आने पर जानकारी दूंगा। अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहा है, खंडन भी कर रहा है, कुछ नहीं बोलना। सर, दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? करवा सकते हो, करवा सकते हो, क्यों ऐसी बातें? क्या ये सही समय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है नेताजी के बाद? समय है अभी भी चेत जाए, वरना बड़ा टेंट है, इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए, कुछ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर देर रात हुए हमले में बैरिकेडिंग और सीसीटीवी में क्षतिग्रस्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद फरीदाबाद के बीके चौक पर ही प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जब वो प्रदर्शन करने आए लोगों से हमने जाना चाहा कि कोशिश की कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उनके जवाब हैरान करने वाले थे। कोई बता रहा था कि केजरीवाल के घर पर बुलडोजर चल गया, तो कोई केजरीवाल पर हमले की बात कर रहा था, तो किसी को ये पता नहीं कि वो आए कहां से हैं और क्यों आए। आज यहाँ रैली निकल रही है, केजरीवाल का मकान तोड़ दिया, बुलडोजर चल रहा है और महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि गरीब आदमी दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है। केजरीवाल के मकान पे बुलडोजर चला है। हाँ, बुलडोजर चल रहा है, टेलीविजन में देखा है और नेट पे भी देख रहे हैं, मोबाइल है सब। हाँ, खबर श्रावस्ती से है जहां भिनगा निवासी कृष्ण मीरेंद्र श्रीवास्तव ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित IES परीक्षा उत्तीर्ण करके परिवार और जनपद का नाम रोशन किया है। कृष्ण मीरेंद्र को UPSC द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद घोषित अंतिम परिणाम में देश में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं इनके पिता नरेंद्र श्रीवास्तव पेशे से शिक्षक है और माँ गृहिणी। कृष्ण मीरेंद्र बचपन से ही मेधावी छात्र थे, जिनकी बदौलत उनका चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। आपका IAS में 15वीं रैंक आया है, क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? जी, पहली बात तो यहाँ पे परिवार में सारे बहुत बहुत खुश हैं। जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब से ही परिवार में सभी लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं इस बात को लेके, और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। और जो भी मेरी जर्नी रही है IES में 15वीं रैंक लाने के लिए, तो उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और मेरे कॉलेज के जो दोस्त रहे हैं, इसके अलावा कॉलेज के सीनियर्स और जो भी कई ढेर सारे मार्गदर्शक बाहर के रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया यहाँ तक आने के लिए, मैं उन सभी को देना चाहता हूँ। और अभी मैंने आगे का मेरा ये है कि अपना ज्वाइन करने के बाद मेरा प्लान सिविल सर्विसेज का भी है, तो मैं उसके लिए अपनी आगे की योजना को बना रहा हूँ। और ये जर्नी जो थी, थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल था, लेकिन फाइनली मैंने ये अपने अटेम्प्ट में इसको 15th रैंक लाके क्लियर किया। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां मामूली बात पर रेस्टोरेंट संचालक को फिल्मी अंदाज में दबंग ने लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट से संचालक के सीने और पेट में गंभीर चोट आई है। बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के पनकी पड़ाव का मामला है। ये जो कल्याणपुर वाला प्रकरण है, इसमें दो पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ था, जिसके संबंध में 216/22 एक FIR पंजीकृत हुई थी। तो आज व्यापार मंडल के लोग मुझसे मिले और इसमें कार्रवाई की मांग की गई। मेरे द्वारा ACP से बात की गई है, इसकी विवेचना चल रही है और जल्दी ही जो दोषी हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कानपुर में भी मूलगंज चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश ने भी गैस सिलेंडर को रखकर और प्रतीकात्मक तख्तियां पहने हुए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि चुनाव के समय सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन अब जब चुनाव हो गया तो जनता पर बोझ बढ़ाकर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत तो में लगातार इजाफा किया जा रहा है। श्री कांग्रेस के आह्वान पर कानपुर उत्तर की इकाई पेट्रोलियम पदार्थों पर हो रही वृद्धि के विरोध में आज मूलगंज के चौराहे पर हम इस धरने के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। निरंतर 8 दिनों से, चाहे वो गैस हो, चाहे डीजल हो और चाहे पेट्रोल हो, उसमें निरंतर वृद्धि होने का काम हो रहा है। देश की आम जनता, जनमानस आज उससे बहुत ही त्रस्त है, त्राहिमाम करने का काम कर रहा है और सरकार की कान में किसी तरह जून रेंगने का काम नहीं हो रहा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव था, 2 माह तक किसी तरह की कोई वृद्धि करने का काम नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से ये सरकार ये बताने का काम करने का काम करना चाहती कि हम चुनाव में तो वोट लेने का काम करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई आप पर थोपने का काम करें। कांग्रेस शुरू से इस महंगाई का। खबर आगरा से है, जहां महिला चिकित्सक की आत्महत्या के बाद प्राइवेट चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सभी चिकित्सक और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई है, जिसमें मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। बता दें कि चिकित्सकों ने चिकित्सक IMA भवन से शहीद स्मारक संजय पैलेस तक मौन जुलूस निकाला। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान मरीज ठीक भी था, लेकिन बाद में उसे कॉम्प्लिकेशन हुए कुछ और एक्सपायर हो गया। तो उनके खिलाफ धारा 302 में मर्डर में उनकी FIR लॉन्च की गई। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उनको प्रेशराइज किया वो इतना प्रेशराइज किया कि वो उसको झेल नहीं पाई और इसलिए उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ी घटना है, हमारा भाई बहन कोई एक्सपायर होता है तो उसके दुख में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, और दूसरी बात अपने संगठन के माध्यम से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं। एटा में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो रहे हैं, उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को बड़ा झटका लग रहा है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर होते हैं उससे छात्र छात्राओं का मनोबल गिरता है, साथ ही उस राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिजनौर की स्वाट टीम और हल्दौर पुलिस टीम ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी का ट्रक बरामद किया। आरोपियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दरअसल गिरफ्तार हुए अभियुक्तों की ओर से बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र से एक ट्रक चोरी कर लिया गया था और जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। आज रात्रि में स्वाट सर्विलांस और हल्दौर पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ हुआ 3 बदमाशों के साथ में, जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए। गुलशन और प्रमोद नाम का अभियुक्त और एक मोबिन फरार हो गया। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, तमंचा, क्विड गाड़ी लाल रंग की बरामद हुई, जो काफ़ी दिनों से ये देखी जा रही थी। इसके पहले इस जनपद में नगीना से एक ट्रक चोरी हुआ था और हल्दौर से एक ट्रक चोरी हुआ था। इनके पूछताछ के दौरान इनके कब्जे से एक ट्रक जो नगीना से चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है। मोबिन चूँकि फरार हो चुका है, उम्मीद है कि उसके कब्जे में होगा, उसकी बरामदगी। खबर औरैया से है जहां मां बेटे में आपसी झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान बात इतनी आगे पहुंच गई कि बेटे ने मां पर जानलेवा हमला किया। मां रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने गई और रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गई। इस दौरान रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने बचाने का प्रयास करे, तब तक मालगाड़ी आ गई और महिला ट्रैक के नीचे गिर गई। पूरी मालगाड़ी महिला के ऊपर से निकल गई और जैसे ही गाड़ी निकली जीआरपी वाले भागकर महिला के पास पहुंचे। महिला बिल्कुल सुरक्षित होकर खड़ी हो गई। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या मामला रात किस तरीके से एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, एक महिला जो है ट्रैक के बीच आई थी। ये दिनांक 27 तारीख की बात है, दोपहर के लगभग का समय था। एक महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, अचानक से गाड़ी आने लगी तो प्लेटफॉर्म से उतर के वो लाइन के बीच में गाड़ी पटरी पर लेट गई। हमारे जवान जो ड्यूटी पर तैनात थे, महिला कांस्टेबल और जवान, उसने आवाज़ दी तो महिला बीच लाइन, दोनों लाइनों को बीच में लेट गई। उसके ऊपर से पूरी गाड़ी निकल गई। तब उसको तुरंत ही ट्रैक से बाहर निकाला। सकुशल थी, महिला के कोई चोट नहीं थी। पूछताछ करने पर पाया कि महिला का घरेलू झगड़ा हुआ था अपने बच्चे से और इस कारण से वो आत्महत्या करने आई थी। फिर उसके बाद उससे पूछताछ के उपरांत उसने सहमति जताई कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। महिला के पति को यहाँ बुलाया गया था और समझा बुझाकर उसको उसके पति के हवाले किया गया। सर, किस तारीख का वीडियो था ये? वीडियो यहीं किसी पैसेंजर ने, जब महिला कूदी थी, शोरगुल किए, हमारे सिपाही वगैरह भी चिल्ला रहे थे, तो किसी पैसेंजर ने लास्ट मोमेंट पर बनाया। सर, किस तारीख का था? उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।